फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको इंटरनेशनल डांस डे के लिए विश करना चाहूँगी और ये बहुत ही अच्छा अवसर है जहाँ पे ना ही लोगों को एक मंच मिल रहा है अपने टैलेंट दिखाने के लिए, एक कंपटीशन में उतरने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन यही मंच पे आप देयर इज अ कॉज अटैच्ड टू इट और वो कॉज है दैट दे आर गोइंग टू हेल्प ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन एंड आई थिंक एवरी ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन एंड आई थिंक एवरी ईयर दे हैव अ स्पेशल कॉज दैट दे अटेंड टू. सो आई एम रियली ग्लैड दैट समथिंग लाइक दिस इज स्टार्टेड एंड आई एम ग्लैड आई एम एसोसिएटेड विद दिस दिस ईयर. I'm sure it's ditto because हम लोग सारे ये सेम फीलिंग के साथ ही चल रहे हैं. मैं अलग से क्या बताऊँगी. डांस दिवस की जो वर्ल्ड डांस डे है उसकी बधाइयाँ सबको. और बहुत कम लोग हैं जो अपने टैलेंट का, जो अपने इस कला का फ़ायदा उठाते हैं. और मेरे ख्याल से ये इस तरह का कुछ एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ी बात है. और मेरे ख्याल से इसकी बधाइयाँ मैं संदीप सोपारकर जी को दूंगी. दैट इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड ये आज के दिन, इट्स अ संडे, वर्ल्ड डांस डे, तो इससे बेहतर संडे मनाने का और वर्ल्ड डांस डे मनाने का जरिया क्या होगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Expression hota hai of the soul to express your joy, express your sorrow. And I think World Dance Day is a beautiful day, and today we are celebrating World Dance Day by actually watching performers from all over the country. Sabse pehli baat ye ki alag dance forms yahan par feature honge, alag social strata se bacche yahan par aayenge, which I think is a fantastic thing. Aur sabse important baat hai ki cause juda hua. So jab bhi kisi art form ko aap cause ke saath jodte hain to uska उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है. सो आई थिंक दिस इज़ अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी टू वॉइस आर कंसर्न फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. और दूसरी बात, डांस इज द ट्रू लैंग्वेज ऑफ योर सोल एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट. सो हैप्पी वर्ल्ड डांस डे एंड वी आर ऑल हियर टू शेयर दिस जॉय एंड हैप्पीनेस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट बच्चों को उस नेसेंट स्टेज पे पकड़ना, जब वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो घर पे पेरेंटल जो एक कॉन्वर्सेशंस बहुत ओपन होनी चाहिए वेयर दे टेल देम कि, और ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली प्योर प्रेशर फेस करते हैं. हम भी exactly, माएं हैं exactly. हमारे बच्चे भी प्योर प्रेशर फेस करते हैं. आई थिंक पेरेंट्स शुड बी ओपन ओपन आल्सो
मिस्टेक हुआ है, जैसे कि मेरे बिल्डिंग में एक लड़की ड्रग अब्यूज की शिकार बन चुकी थी. सो आई थिंक जिस तरह से नेबर्स उसे ट्रीट करते हैं जबकि वो रिहैब जा चुकी है इज वेरी सैड. आई थिंक रिहैब का मतलब ये है कि आपने अपनी गलती मानकर सुधारने की कोशिश की है. सो आई थिंक रिहैब अब सिर्फ वो इंसान के लिए नहीं है जो ड्रग अब्यूज कर रहा था, लेकिन आई थिंक रिहैब अब उस इंसान के लिए है जो उसके साथ यू नो इंटरेक्शन कर रहा है और इंटरेक्शन करने वाला है. जैसे कि हमारे नेबर्स उसे इतने क्रूअली ट्रीट करते हैं. दैट इज रियली समथिंग आई वांट टू टेल पीपल दैट इफ समबडी हैज टेकन ड्रग्स और उसने अपनी गलती मान ली है, यू नीड टू बी अ सपोर्ट. सिर्फ वो मेरे घर पे आती है, सिर्फ मेरे साथ बात करती है, सिर्फ मैं बहुत खुले दिल से उसे अपनाती हूँ. एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द डे. गलतियाँ तो सब लोग करते हैं, गलतियाँ की हद अलग अलग होती है. अभी तो हमें पता चल रहा है कि ड्रग अब्यूज़ क्या है और वो सब क्या है, बट यू कांट लेट दैट पर्सन डाउन. उसे सख्त इनफैक्ट सपोर्ट की जरूरत है. जिस हिसाब से स्कूलों में सेक्स एजुकेशन बच्चों को सिखाया जाता है अभी मतलब अभी शुरुआत हुई है बेटर लेट देन नेवर, तो वैसे ही मेरे ख्याल से ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ कैंपेन चलाइए, उनको सिखाइए. मैंने सुना है कार्टून फॉर्म बनाते हैं और उसके हिसाब से सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को. तो आप जैसे बच्चों को अगर कोई ड्रिंक कर रहा है और बच्चा जाके बोलता है आई वॉन्ट टू हैव दैट, तो हम कहते हैं ये गंदा पानी है, ये बैड ड्रिंक है. तो माँ बाप की तरह आसपास के लोगों ने भी मेरे ख्याल से इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए. जैसा कि इन्होंने कहा रिहैब से वापस आते तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स को उनके रिश्तेदारों को यही बताया जाता है कि आप उनको बार बार ये एहसास ना दिलाएं कि आप इसमें ड्रग्स ले रहे थे या इसके शिकार थे. अगर झूठ नहीं है यार, एब्सोल्युटली और मतलब उनको सपोर्ट करें. और मेरे ख्याल से डांस कॉज ये जो कला के मार्फत जिस तरफ से मैं कह रही हूँ कि कार्टून्स बना के हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, सेक्स एजुकेशन आजकल दिखाया जाता है या सिखाया जाता है, वैसे ही ड्रग अब्यूज का ये बहुत जरिया अच्छा है कि कला के माध्यम से या कला के माध्यम से वी कैन चैनलाइज द एनर्जी व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे कैन यू नो यूज डांस एज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ चैनलाइजिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी और प्योर प्रेशर के यू नो उसमें नहीं पड़े. और देखिए ड्रग अब्यूज पहले भी था और अब भी है, बट ऑफ कोर्स अब उसका जो रूप है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है. या सो आई थिंक मोर अवेयरनेस एंड नाउ पीपल थिंक इट्स वेरी ग्रेट एंड वेरी हिप टू टेक ड्रग्स एंड यू नो टू हैव यू नो सिगरेट. यू नीड टू जस्ट ब्रेक दैट रूल. या इट्स नॉट कूल टू अब्यूज एंड इट्स नॉट कूल टू अब्यूज योर बॉडी योरसेल्फ. यस या इट्स रियली कूल टू लर्न एंड टेक द वर्ल्ड अहेड. यस दैट्स कूल. या थैंक यू. I think it's a great initiative by Sandeep because you know nowadays people are just thinking about themselves, they are very busy in their lifestyle, their work and all. So taking this kind of step for this kind of cause, it's a great thing and I'm really you know grateful and glad to be a part of it. क्योंकि क्या है कि आज एज आई मेंशन कि हर इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत बिजी है, मशरूफ़ है, लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है. इस इनिशिएटिव से हमारे कंट्री के जो यंग जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है कल का, वो उस उनको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि फ्यूचर हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे, आगे 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 नाम रोशन करेंगे. तो इस इनिशिएटिव से जो बेसिकली जो यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व आजकल हो रही है, जो अवेयर नहीं है, इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी. ऑफकोर्स इनिशिएटिव संदीप ने किया है द कॉज आई थिंक से नो टू ड्रग्स. आई थिंक मोस्टली फॉर हमारे यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही यू नो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू नो अबाउट देम एंड इवन इफ दीज गाइज आर डूइंग ड्रग्स तो यू नो उनको एक लिमिट में करना चाहिए. सो लिमिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट आई वुड से. सो यार से नो टू ड्रग्स. आई थिंक आई नो संदीप फॉर पास्ट 5-6 ईयर्स एंड I love the way he dances and I think I was dancing at a party and he spot me out and then he came up to me and he told me that you know you dance fabulously and I was like okay but you're a better dancer. So yeah, I mean he's very nice. I think he's the salsa master of India. I will call him salsa master of India. In jazz? Yes. In fact, yeah, of course, jazz as well. And I know him for last almost, you can say, 10 years. And I
ऐसे जानता हूँ कि मैंने उनका डांस जो क्लास चलता था ओशीवारा में, आई हैव जॉइंड दैट. मैंने दो तीन महीने ट्रेनिंग भी किया सालसा की उनके क्लासेस में, तो सिंस देन आई नो हिम. और अगर उनके टैलेंट की बात करें तो वो मैं बहुत छोटा हूँ उनके टैलेंट की तारीफ करने के लिए. ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट डांसर. Any tip? See, what I do in summers, you know, to get rid of this the heat, I prefer to have a lot of curd. I have a lot of coconut water, then lemon water, of course. Or thoda dimag shant rakhein kyunki bahut garmi hoti hai to gussa aata hai logon ko. And also, what I feel that, you know, I'm very much into fitness, so that also really helps. When you go and work out, puri body ki heat nikalti hai, aapka sweat hota hai, take out your sweat, to usse bhi काफी रिलैक्स और रिलीफ फील होता है. आई थिंक आई वुड लाइक टू से जस्ट कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीजिए बहुत. एग्जैक्टली. कॉटन के लूज प्रूफ कपड़े पहनिए. सो या, आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर इन इंडिया डांस वीक सीजन 5, वेयर संदीप सोपारकर जी हैज इनवाइटेड मी. बीइंग अ सिंगर, आई फील रियली वेरी हैप्पी टू बी breaker jury of India Dance Week, and everyone who loves dance, actually I also love dance, so jisse bhi dance pasand hai shayad they can understand dance and music, of course. Okay, ek gaana ho jaye jo aapne jo gaya ho. Sure. I think aaj ke occasion ke liye anybody can dance, I think, to main kuch aisa hi sunati hu. Left leg aage aage, right leg peeche peeche. इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज इज ऑल अबाउट डांसिंग फॉर अ कॉज, एंड हमने कल वही किया. वी डांस फॉर अ कॉज विच इज अबाउट सेइंग नो टू ड्रग्स, एंड आई एम हैप्पी एवरीबडी लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल रिस्पॉन्स फॉर इट. वेल, आई हैव ऑलवेज बिलीव कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी की वो प्यार से हमेशा हल हो सकती है, एंड ड्रग्स एक ऐसा इशू है हमारे कंट्री में जो अगर प्यार दिया जाए, बहुत केयर किया जाए, तो इंसान अपने आप बाहर निकल आता है, इंसान जाएगा भी नहीं उसके अंदर. That's what we try to show, and we try to show that family bonding and family togetherness is what's important, and everybody liked it yesterday, so I'm really very happy. What's your initiative? Sandeep always does such fantastic things for so many causes, and this time drug abuse is a very topical thing which is happening, and I think everybody can identify with it. So his performance is brilliant, written by him, performed by him and other artists, and kudos to him. Okay, aap kya expect kar rahe ho aaj ke film se? Jo teaser dekha tha humne to wo to superb tha, to aaj to main film hai to wo bhi fantastic hi hoga. Aur itna acha platform, itne hidden talents ko hum dekhenge aaj har saal ki tarah, to main to bahut hi excited hu. Well, yes, she has a wonderful dance today with our second issue, second cause that we are bringing light to, which is Aditya Foundation, and unka about care for mentally challenged people. And I think you'll see a lovely dance of her with all the wonderful individuals who are mentally challenged. And कोई भी हो आज कंटेस्टेंट जो है वो डांस करेगा, चाहे वो जज हो या हमारे होस्ट हो या हमारे गेस्ट हो, हर कोई जो है वो डांस करने वाला है. एंड वी हैव सम वंडरफुल 14 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जो आए हैं, एंड वेल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट शो. Well, I think usually you get to see any of
entertainment part where you get to see any of the shows, any of the dance shows, any of the reality shows or anything, most of the time you'll see maybe there's no such connection to a cause or anything, but I call it a good karma rather. So if you get to see something where you can actually show your talent, your skill, and add a cause to it, it's quite a rare thing, and I think it's good to be a part of it. I'm really happy, in fact, I'm a part of this whole event, in fact. And that's what I believe in. See, frankly speaking, I'm representing Nalanda. It's a College of Indian Classical Dance, and we come into the classical zone. So I always believe very strongly, and our Shastras also say that dance or art, any art, is edutainment. This is a new word now coined, but it has been coined since ages. So if there is a cause and a nimitta for doing our art form, it's the greatest duty you are doing towards the society, giving them something back. And what best about this India Dance Week, we have been dancing with this Sandeep Ji since almost 3 years now. And every time there is a wonderful cause. So last time it was acid victim, this time it is this, before it was PETA. So I think what we feel is we are doing something for the society, and there is some wonderful contribution in our artistic way, in our creative way that we do for the society. Just imagine it, art is a change. Art is a big change in society. And I'm proud and I'm fortunate to be part of India Dance Week. I also designed logo for USA Dance Week and Dance for Cause. I'm fortunate, and to Sandeep Prabhakar, to give me the opportunity to do that. So even I would like to thank him for other, and what he does is he is bringing all the dances together. ऐसा नहीं कि खाली एक ही डांस है, क्लासिकल भी है, फोक भी है, वेस्टर्न भी है, कंटेम्पररी भी है. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट वी ऑल आर टुगेदर. इट्स नॉट इन आवर ओन जोन दैट वी सर्वाइव. Yeah, I would like to add, in a way, actually, we all people who are public figures, some people are actors, like I've been working as an actor. Some people, like how you've been training people and you've been a part of this, associated with it from the last 3 years. We all have something where people look up to us. We have a responsibility towards the society, which we shouldn't forget. And somewhere, wherever we get a chance and opportunity to actually be a part of this kind of an opportunity where you can actually be a part of such association where you can do your bit in between. So I think it's fantastic what Sandeep has done, and it's been going on pretty well. I'm really happy, and but I would be love to be a part of it further in the future whenever I can. I think, see, I've come here for this year for the first time, and if I look at the logo, I think, yeah, Dance for Cause, that's the one. That's wonderful. I think it is ballroom. Yeah. It's representing ballroom, and I like the way DNC has been put. Artistically, it looks as if they are dancing together already. It's a launch it has of this a logo rhythm, Matala, cycle. Correct? Any tips you want to give regarding the dance? I think any dance, any expression is wonderful, whether you follow classical, whether you follow whatever. Ultimately, it is your language, your medium, which makes you speak and express. So whatever a person likes, a person should do with full confidence and full integrity towards it and dedication. So every dancer should do something. I would like to say something more. This time being drug abuse, this is the most relevant cause this year, where the youngsters are going into all this kind of negativities, I would say. And I think creativity, if children understand, the youngsters understand, there's so much of power in creativity, nobody would go into that zone. This is one thing which I feel. So all this is the summary of what is important in life. I would say we are very much connected somewhere where I started my career as an actor before that. I actually joined the pageant in 2005, and I'm
met Sandeep then as one of the person who was doing the workshop in the grooving sessions. And I've seen that his dance, the performance what he did at that time, Salsa, in fact, it was such a brilliant one that I was so impressed. I actually joined Salsa after that. Wow. So since then, not really directly I've been associated for those years, but initial years, but my career in being an actor or as a model started from somewhere where I actually seen him there around and quite impressed or struck with the fact how he was performing. So yeah, that way. I think it's a wonderful platform to be on because I'm a dancer myself, and I've been following Sandeep sir from a very long time. He's been my inspiration to start Latin dance forms, and I think it's a fantastic opportunity for people who don't have this opportunity in their town or in their region to come here in Mumbai and perform and then show their talent. So I would like to add कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे dance forms, you know, चाहे group हो, चाहे salsa हो, jazz हो, whatever you can think of, सब एक platform पे conduct किए जा रहे हैं. Plus they won the National Excellence Award last year, so I think that's quite an achievement. जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी संदीप सर की वो है कि वो ये सिर्फ एक entertainment के लिए नहीं है, ये एक cause के लिए. You know, जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, जो drug abuse के शिकार हैं. I think that intention really works. अगर उसके साथ entertainment जुड़ा हो तो क्या बात? Just drug abuse, it's also to help and create awareness for mentally challenged people, and that is basically the two aspects we are focusing on in this India Dance Week Dance for a Cause. And yeah, Arpit. Aapka sawal kaise dohraye? Yaar, meri thoughts ye hai, actually main tab tak us bare mein comment nahi kar sakta jab tak koi no khud hum jab tak khud un jooton mein nahi घुस जाते हैं ना, तब तक हमें नहीं समझ में आता है कि ड्रग से जो जूझ रहा है, उस आदत से, लत से, वो जो लत, जो एडिक्शन जो वर्ड है, उसे कैसे बाहर निकला जाता है. मेरे को आज तक ड्रग्स की लत नहीं लगी, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया. आई थिंक एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, बट नो, आई वुड नॉट लाइक टू प्रमोट दैट, एवरीवन वुड से एटलीस्ट नो, बट अच्छा हुआ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मुझे कभी लत भी नहीं लगी. बट जिन्हें ये लत लगी, मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को देखा है कॉलेज में, यू नो, वो कैसे उनके सारे पैसे उस ड्रग्स में चले गए, कैसे फॉरगेट देम, उनके आसपास के लोग कैसे सफ़र करते हैं, उनके माँ बाप कैसे सफ़र करते हैं, यू नो, करियर से लेकर पर्सनल लाइफ सब खत्म हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज़ वन प्रॉब्लम विच पीपल शुड ऑल्सो रियली फोकस ऑन. तुम्हारे कॉलेज में नहीं थे, तुम्हारे कॉलेज में दोस्त नहीं थे जो करते थे? बहुत बड़ा हाँ या ना पहले हाँ या ना, कॉलेज ही नो नेम्स. हाँ जी, यार नो नेम्स, थैंक्स फॉर सेविंग. यू वेलकम. I represent the Barossa School of Ballet. We teach classical ballet, which has had very little exposure in India, I would say. We want more exposure, we want more people to get familiar with this beautiful dance form, which takes a lot of training, a lot of dedication, but the end product is a very refined and a very classical form of dance. Classes for classical ballet. I have about 200 students, and often we are performing also. And I find a good response in Mumbai. People are loving it. People want to join up. Of course, sometimes it happens that they join up thinking they will immediately start flying and start turning and doing pirouettes. It doesn't happen. You have to train, and the training is about 3 to 5 years before you can start looking like a ballerina. So I represent Media Dance. We are an artist group with 60+ artists, and our specialization is Indian folk art. Right from your Maharashtrian folk art, be it your Punjabi, be it, you know, right from south, north, east, across India, we train students in all forms of folk art. Folk art is one of, you know, the oldest form of Indian culture, which is a little diminishing these days. That's where the effort is.
you know, yesterday in our presentation. It was a great experience, and you know, being a part of this wonderful initiative is amazing. I think, you know, we should come forward and we should do these initiatives on a continuous basis. Thank you so much. Thank you, sir.